हेलो वेलकम यू ऑल गाइस। तो जैसा कि आपको बोर्ड देख के पता चल गया होगा कि आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है, रेजोनेंस। रेजोनेंस आपने बेसिक थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसका डिफिनेशन आपको नहीं रटाऊंगा, बहुत ही सिंपल सा टर्म है, आपको ध्यान रखना है रेजोनेंस क्या होता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन थ्रू प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या होता है, अपने जगह से निकल के क्या जाएगा दूसरे जगह, अपने ऑर्बिटल से निकल के क्या होगा किसी दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। और पाई इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है उसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल है या डी ऑर्बिटल है वहां अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसी डीलोकलाइजेशन को हम समझते हैं, कब ये डीलोकलाइज होगा कब नहीं होगा, किस कंडीशंस को फॉलो करता है। तो सबसे आपको इंपॉर्टेंट समझना है कंजुगेट पोजीशन। तो कंजुगेट पोजीशन क्या होता है, तो अगर वन के बाद थ्री है, थ्री के बाद फाइव है, मतलब हर अल्टरनेट पोजिशन। कंजुगेट वर्ड मतलब आपको क्या समझ में आना है, अल्टरनेट, क्या याद रखना है, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक के बाद जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट पोजीशन या अल्टरनेट पोजीशन। से टू का कंजुगेट क्या हो जाएगा, फोर, फोर का कंजुगेट पोजीशन क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। तो रेजोनेंस के लिए जो सबसे बेसिक कंडीशन है वो आपका है कि मॉलिक्यूल प्लेनर में होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, राइट। अगर मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी लॉस होगी तो रेजोनेंस वहां नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली हम कुछ कंडीशंस, कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं किसके लिए, रेजोनेंस के लिए, जो कि क्या होगा, मोस्टली प्लेनर मॉलिक्यूल। हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर देखेंगे वो क्या रहेंगे, उस प्लेन में रहेंगे। चलिए हम लोग वन बाय वन करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि पाई बॉन्ड कंजुगेटेड किसके साथ होना चाहिए, पाई बॉन्ड के साथ। जैसे कि आपको पहला एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, ये पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के फिर से क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, तो ये कंजुगेटेड पोजिशन कहलाएगा। तो यहाँ पाई बॉन्ड क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। तो कैसे डीलोकलाइज करेगा, तो आपको पता है कि इधर दोनों कार्बन है और इधर ऑक्सीजन, जनरली इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इस कार्बन से ऑक्सीजन के तरफ। तो ध्यान से देखिए, इस पाई बॉन्ड को जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे ये पाई बॉन्ड खुल के कहाँ चला जाएगा, आगे, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो यह स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, CH3CH, इस पर प्लस चार्ज आ गया, राइट गाइज। और ये पाई बॉन्ड खिसक के कहाँ चला जाएगा, अगले पोजिशन पे, तो डबल बॉन्ड CH और C, और ये सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, माइनस, दिस इज योर H। तो ये इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। वापस क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड खुल के क्या होगा, इधर चला आएगा, राइट। तो फिर से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का टू एंड फोर लगातार मूवमेंट चलता रहता है। नाउ अगर हम बात करें कहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, देखिए ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो हर एक केस में हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या रहा है, sp2 आ रहा है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है। दूसरा केस क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ लोन पेयर। जैसे एग्जाम्पल है, आपके पास पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, राइट। तो ये क्या होगा, रेजोनेंस यहाँ करेगा। तो यहाँ रेजोनेंस किधर आएगा, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, पाई बॉन्ड के तरफ। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, CH3CH, ये माइनस हो जाएगा, और आपको पता है कि ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, दिस इज योर CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2, और इस पे साइन क्या आ जाएगा, प्लस। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत लोगों को लगता है कि ये NH2 क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट एक्चुअली ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि ये लोन पेयर डीलोकलाइज है। तो ये लोन पेयर कहाँ रहेगा, पी ऑर्बिटल में, कहाँ रहेगा, पी ऑर्बिटल में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या होगा, sp2, राइट गाइज। तो थर्ड केस वैसे ही देखते हैं, पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ निगेटिव चार्ज। तो इसे पाई बॉन्ड है, ये क्या है, निगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेटेड है, अगेन ये इधर आएगा और पाई बॉन्ड इधर खुल जाएगा, तो पता है यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, राइट। तो इजिली गाइज आप डिसाइड कर सकते हो कैसे होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, पाई बॉन्ड किसके साथ कंजुगेटेड होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज के साथ, जिसे कार्बोकेटायन है और एक बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। उसके नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि पाई बॉन्ड जो है आपके किसके साथ होना चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेटेड। तो आपने पढ़ा है कार्बन फ्री रेडिकल है, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो भी यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि पाई बॉन्ड आपका कंजुगेटेड किसके साथ होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। तो आप इस एग्जाम्पल को भी ले सकते हो, इस कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल और यहाँ पाई बॉन्ड है, तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। सिमिलरली इवन BH2 बोर, ध्यान से देखते हैं, बोरन कितना बॉन्ड बना सकता है, तीन बॉन्ड, उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दो बॉन्ड बनाए और बोरन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा और यहाँ पाई बॉन्ड है, तो भी ये पाई बॉन्ड किधर जाएगा, उसके तरफ। तो यहाँ पे भी आपको रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बहुत बार हम लोग बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं,
पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर एडजेसेंट में होना चाहिए किसके, निगेटिव चार्ज या लोन पेयर के। तो जैसे आपके पास दिख रहा है ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर किधर चलाएगा, इधर, और ये एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन का लोन पेयर गया है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा CH3। तो ये है आपका स्ट्रक्चर राइट, रेजोनेंस के थ्रू ये इधर जाएगा। इसको एक्चुअली हम लोग एक तरह से बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो आपको ये 6 और 7 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमें से ही ध्यान रखना है जहां पे कि क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इसके अलावा आपने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा या आपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा होगा कि सी, जैसे आपके पास कार्बोनेट आयन दे दिया क्या होता है CO3 2-, ये माइनस है ये माइनस है, तो पता है यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक बॉन्ड छोड़ के क्या है पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी आपको रेजोनेंस होता हुआ दिखता है राइट। सिमिलरली आपके पास SO4 2- है, डबल बॉन्ड वो है, दिस इज ऑक्सीजन माइनस, दिस इज योर ऑक्सीजन माइनस, तो ये भी क्या होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये उधर चला जाएगा राइट। तो इस तरह के बहुत सारे आयन्स भी आपने देखे होंगे बेसिक केमिस्ट्री में भी कि रेजोनेंस क्या होता है राइट गाइज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेजोनेंस कब होगा और कब नहीं होगा। तो इसी के बेस्ड पे हम लोग जो नेक्स्ट इफेक्ट देखने वाले हैं वो है मेजोमेरिक इफेक्ट। तो मेजोमेरिक इफेक्ट कैसे काम करता है, तो गाइज हम अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं।